Hello friends, my name is Anchal Singh. I am student of Centurion Defence Academy and I have qualified my SSB interview. So I am here to share my journey of Centurion Defence Academy. So मैंने यहाँ आज से एक साल पहले एडमिशन लिया था. इन जुलाई ओनली मेरा एक साल टेन्योर ख़त्म हुआ एंड एक साल ख़त्म होते होते आई गॉट रिकमेंडेड इन एनसीसी 46 स्पेशल एंट्री एंड उस मेरा जो स्टार्टिंग था सिनेरियो कि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी. सो मैं बहुत ज़्यादा ये हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी में नहीं थी जिसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी. एंड मैंने जब सर्च किया तो आई फाउंड कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट एकेडमी है जहाँ पे मुझे वो गाइडेंस मिल सकती है और अच्छे से मिल सकती है जिसका मैं फ़ायदा अच्छे से उठा सकती हूँ. सो आई टुक एडमिशन फॉर 1 ईयर एंड उसके बाद यहाँ पे जो फैकल्टीज़ मिली और मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में जितनी भी चीज़ें थी मेरे सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करे गए. प्लस यहाँ जो स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया वो स्टडी मटेरियल्स हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे जिसकी वजह से इन फर्स्ट अटैम्प्ट आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई AFCAT एग्जामिनेशन. दैट वाज AFCAT सेकेंड 2018 बट AFCAT फर्स्ट 2019 आई वाज एबल टू क्वालिफाई. और जिसकी SSB आई एम हैविंग इट इन सेप्टेम्बर दैट इज़ ऑन 23rd September. सो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस वो SSB में गाइडेंस वो फैकल्टीज़ का वो टीचर्स का सबका जो गाइडेंस था उसकी वजह से मेरा अकेडमिक प्लस मेरा SSB दोनों ही ग्रूम हुआ जिसकी वजह से वो पॉलिशिंग हुई. एंड आई वॉज अ टॉपर ऑलवेज आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर. सो मेरे लिए थोड़ा सा साइंस को छोड़ के एक दूसरे स्ट्रीम पे शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल था बट यहाँ मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई. टीचर्स से इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा ऐसा माहौल बनाया गया जिससे कि टीचर्स से इंटरेक्शन करते वक्त कोई इंसान डरे ना. नॉर्मल कोई भी क्वेरीज हुई मैंने हमेशा उठ के पूछा कि सर दिस इज़ माय क्वेरी एंड प्लीज़ क्लैरिफाई इट. और उन्होंने टीचर्स ने डायरेक्टर सर ने और सारे एसएसएस ने सबने काफ़ी अच्छे से मेरे सारे क्वेरीज क्लैरिफाई किए जिसकी वजह से मैंने AFCAT फर्स्ट 2019 क्वालिफाई किया. एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड NCC 46 स्पेशल एंट्री. आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 21 SSB बोर्ड भोपाल. सो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो ई लर्निंग पोर्टल है जहाँ से आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप अपडेटेड रहते हो. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं एक अपडेटेड स्टूडेंट नहीं थी. आई एक्सेप्ट दिस कि मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं थी बट हाँ धीरे धीरे पढ़ते एंड सिनेरियो देखते ई लर्निंग के जो नोटिफिकेशंस आते थे उन्हें चेकआउट करते हुए आई गॉट जनरली अवेयर. मुझे पता चलने लगा कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है. एंड उसकी वजह से जो करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उस पर जब करंट अफेयर्स आते हैं सो आई वेंट थ्रू दिस एंड वहाँ मैंने देखा दैट हाँ हर वीक के जो करंट अफेयर्स होते हैं दे आर यूजफुल इन माई एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन एज वेल इन SSB बिकॉज इन SSB दे वांट अ जनरली अवेयर पर्सन. आपको एक जनरली अवेयर पर्सन होना पड़ेगा जिसकी वजह से ये करंट अफेयर्स आपका रिटन प्लस SSB दोनों में ही एज अ बून वर्क करता है. एंड जो यहाँ पे जितनी भी आर्टिकल्स एंड SSB रिलेटेड आर्टिकल्स प्लस लाइफ रिलेटेड आर्टिकल्स ये इस एकेडमी में सिर्फ आपको एक ऑफिसर बनना नहीं सिखाया जाता बल्कि एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है कि आप एक फुल्ली ग्रूम पर्सनालिटी वाले इंसान कैसे बन सकते हो. और यहाँ पे आपको सारी गाइडेंस प्रॉपर मिलती है कि आप जिस चीज़ में आप कम हो और जिसमें ज़्यादा हो. अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा हो दैन यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट एंड जहाँ आपकी लैकिंग पॉइंट्स हैं वो उसको आपको ग्रूम करने का मौका दिया गया. प्लस यहाँ सारी आपको हर ओकेजन्स में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ आप अपने आप को और ग्रूम कर पाते हो डेवलप कर पाते हो कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हिडन है वो कहीं ना कहीं स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में हिडन ना रह गई हो. अगर अब भी वक्त है तो आप यहाँ पर उसे निकाल सकते हो. एंड लाइक इनिशिएटिव क्वालिटी मेरे अंदर थी बट यहाँ पे मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला कि मैंने इनिशिएट करना शुरू किया किसी भी फंक्शन में या किसी भी प्रोग्राम में. आई टुक दैट इनिशिएटिव कि हाँ मैं इनिशिएट करूँगी. थोड़ा डर लगता है बट स्टिल यहाँ पे जो बैक सपोर्ट मिलता है कि हाँ नहीं यू कैन डू इट. यहाँ पे जो सर मैंने नई यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारी नई चीज़ें ट्राई की एंड जिसमें ऑब्वियसली मैं बहुत डरी. सो जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने कहा दैट यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट एंड दीज आर द लाइन्स जिसकी वजह से मैंने किया एंड सक्सेसफुल हुई। एंड आज मेरे यहाँ पहुँचने का रीज़न मैं बहुत बड़ा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी प्लस माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स सबको देती हूँ। एंड थैंक यू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी फॉर द स्टडी मटेरियल, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट। एंड मैं स्टूडियस पर्सन होने की वजह से मैं मॉर्निंग में आती थी एंड फॉर मी ये इन्होंने मुझे वो क्लासरूम एंड वो माहौल प्रोवाइड किया कि हाँ, इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। मेरे बैचेस इवनिंग के थे बट स्टिल मैं मॉर्निंग में आती थी सो दैट मैं पढ़ सकूँ, बिकॉज आई थॉट कि यहाँ घर से पढ़ने से ज़्यादा यहाँ पढ़ना बेटर होगा। सो आई ऑप्टेड टू कम हियर and they gave me that environment कि हाँ you can study, and they provided me whole facility कि you can study with full concentration and faculties हमेशा available रहते हैं कि हाँ if you have any doubt you can clear it। So ये सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं इट वर्कड एज अ बून एंड जिसकी वजह से मेरा AFCAT क्लियर हुआ एंड आई गॉट रिकमेंडेड इन SSB NCC 46 स्पेशल एंट्री एंड आई एम हैविंग माई AFSB ऑन 23rd September एंड डेफिनेटली आई विल बी सेलेक्टेड इन दैट ऑल्सो। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मुझे रिटन के साथ साथ SSB में भी प्रॉपर गाइडेंस मिली, लाइक आपकी जो वीक एरियाज़ है, वीक OLQs है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, उन पर वर्क करना बताया गया, प्लस आपको कौन से एरियाज़ में ज़्यादा वर्क करना है, कौन से आपके एवरेज एरियाज़ रह सकते हैं, उसकी प्रॉपर गाइडेंस मिली। और यहाँ जो पैनल है इंटरव्यू, GTO एंड साइकोलॉजी के लिए डिफरेंट पैनल्स है जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आपको जज करते हैं और आपके अंदर की जो भी डिमेरिट्स हैं वो आपको पता चलती है, और जब आपको पता चलती है तो ही आप उस पर वर्क कर पाते हैं। सो यहाँ WAT के लिए TAT, WAT एंड SRT फुल डोजियर असेसमेंट हुआ, जिसकी वजह से आई केम टू नो कि मेरा TAT में कौन सा लैकिंग पॉइंट्स हैं। The assessor told me that you have to focus on these points और ये एक heading लेके चलना है जिसकी वजह से तुम TAT की stories बहुत अच्छे से एंड बहुत proper लिख पाओगे। So I took that advice, I implemented that advice and in WAT I was able to write TAT stories. My stories were good in SSB and in WAT मैं डेली आई मेड दैट पॉइंट कि मुझे डेली 10 WATs करने हैं और वो भी क्वालिटी सेंटेंसेस, नॉट जस्ट क्वांटिटी बट क्वालिटी सेंटेंसेस एंड विद रूल्स। जो यहाँ पे मुझे जो रूल्स बताया गया कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं WAT में प्रॉपर, सो उन रूल्स के साथ मैं डेली प्रैक्टिस करती थी एंड उसमें मुझे प्रॉपर गाइडेंस साइकोलॉजिस्ट की मिलती थी, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू डू 58 SRTs इन माई SSB एंड 58 WATs इन माई SSB एंड 54 SRTs आई हैव डन इन माई SSB, जिसकी जहाँ पे मुझे सेम साइकोलॉजिस्ट से वो गाइडेंस मिली दैट यू हैव टू गिव योर फर्स्ट रिएक्शन इन SRT। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मीन्स योर फर्स्ट रिएक्शन। सो वहाँ मैंने वो नॉलेज अप्लाई की एंड वहाँ प्रैक्टिस किया कि हाँ कैसे करना है, प्लस गाइडेंस मिली कि किस सिचुएशन में जहाँ मैं स्टक करती थी। आई टुक एडवाइस एंड दे गेव मी द राइट एडवाइस एंड आई इम्प्लीमेंटेड दैट। और अगर हम बात करें GTO की, तो GTO में जो सर यहाँ प्रॉपर वो सिनेरियो मिलता है जो आपको एक रियल SSB में सिनेरियो मिलता है, वो प्रॉपर सिनेरियो आपको एक सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की कोचिंग में मिल जाएगा, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि दैट यू आर फेसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वो एक फेयर नहीं था मेरे पास जब मैं SSB में मैं अपीयर हुई। सो दैट समवेयर दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से आई गॉट रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर इन बीइंग अ फ्रेशर आई गॉट रिकमेंडेड। सो यहाँ पे जो GPE प्लानिंग प्रॉपर बोर्ड एंड स्ट्रक्चर के साथ GPE प्लानिंग हुई, दैट तुम बोर्ड शो किया गया कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ सोल्यूशंस क्या करने हैं, पूरा जैसा SSB में होता है सेम डिटो वैसा था। प्लस आपको ग्राउंड मिलता है जहाँ पे आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स प्लस आपके हाफ ग्रुप टास्क, फुल ग्रुप टास्क, सारे जितने भी ग्राउंड ट्रेनिंग टास्क होते हैं वो सारे टास्क आप फील कर पाते हो कि हाँ ये टास्क ऐसे होने वाले हैं, आपके लिए कोई चीज़ नई नहीं होती है। एंड प्लस GTO में आपको वो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे लाइक पिवट मेकिंग या फल्क्रम मेकिंग और पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको अप्लाई करना पड़ता है जब आप कोई भी सॉल्यूशन निकालते हो विद द हेल्प ऑफ फट्टा, बल्ली एंड रोप। तो वो चीज़ें वहाँ हमको एडवाइस किया गया कि किस तरीके से कहाँ माइंड को यूज़ करना है। दे जस्ट गेव अस आइडिया कि हमें कहाँ जाना है, दे जस्ट शो द टॉर्च कि किस वे पे जाना है, एंड अगर उसे फॉलो किया सो आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन कि हाँ मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना था। and I cracked the SSB. I'm waiting for the merit, but still I've cracked the SSB and it's a big deal. And if I talk about interview, so interview में PIQ यहाँ हुआ, PIQ को पूरा मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, प्लस PIQ पूरा प्रिपेयर किया, और प्लस जो पैनल था उन्होंने मुझे बताया दैट PIQ को किस तरीके से प्रिपेयर करना, एक एक पोर्शन लाइक एकेडमिक्स, फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, NCC, योर गेम, हर एक कॉलम को एक अच्छे से अच्छे वे में प्रिपेयर किया। प्लस पॉसिबल क्वेश्चंस बताए गए कि आपके पास कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड उन क्वेश्चंस को आपके पोटेंशियल के हिसाब से ही बताया गया कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया। अगर आपने कुछ किया है सो वो चीज़ उस वे में बताई गई। जस्ट उसको एक हमने कोई चीज़ एक रॉ फॉर्म में दिया एंड वी गॉट दैट कि हाँ एक हमें अपने लेवल पे कैसे वो उसको प्रेजेंट करना है। जैसे वो प्रेजेंट स्किल और प्रेजेंटिंग स्किल और प्लस योर फेस एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें जो यहाँ सिखाई गई दैट वर्कड एज अ मिरेकल फॉर मी। एंड पूरा SSB टेन्योर SSB सिनेरियो में सारी चीज़ें मुझे एक भी ऐसी चीज़ फील नहीं हुई दैट आई एम फेसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और आई एम गेटिंग नर्वस लाइक इन लेक्चरेट या GD। नो, आई हैव डन लेक्चरेट मेनी अ टाइम्स इन कोचिंग एंड GD ऑल्सो आई हैव डन मेनी अ टाइम्स। सो वो मेरे लिए वो वहाँ पे वो नर्वसनेस नहीं थी। प्लस जब मुझे पार्ट लेने को यहाँ मौका मिला कि आई कैन टेक पार्ट इन डिबेट्स, आई टुक पार्ट इन डिबेट्स एंड आई टुक पार्ट इन प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस जहाँ मैंने इनिशिएट किया, जिसकी वजह से वो स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर था वो मेरा ख़त्म हुआ। एंड इन सारी चीज़ों में सेंचुरियन अकेडमी में एक स्टेज प्रोवाइड किया जहाँ यू कैन अपलिफ्ट योर पर्सनैलिटी, यू कैन ग्रूम योर पर्सनैलिटी। And I just want to thank Centurion Defence Academy for grooming my personality, and because of this only I have got recommended. I want to thank Centurion Defence Academy, plus my parents, all my mates, and all my friends. Thank you so much.